हेलो दोस्तों दोस्तों फीटर टर्नर एंड मैसनिस्ट आईटीआई ट्रेड थ्योरी विथ क्वेश्चन एंड आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये जो सब्जेक्ट है ये है चैप्टर टू मार्किंग एंड मार्किंग टूल ये फीटर टर्नर और मेसनिस्ट तीनों का है दोस्तों चैप्टर वन में मैंने सेफ्टी के विषय से में बताया था और चैप्टर टू में आज मैं मार्किंग एंड मार्किंग टूल के विषय में बताऊँगा तो आपको ये वीडियो गौर से देखते रहना है एंड तक तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन द टूल विच इज यूज फॉर लेइंग आउट लार्ज सर्कल्स इज ऑप्शन ए ट्रमल ऑप्शन बी डिवाइडर ऑप्शन सी जेनी कैलिपर ऑप्शन डी स्क्राइबर और जो इसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए ट्रमल क्वेश्चन नंबर टू विच टाइप ऑफ रूल इज यूज फॉर मार्किंग एंड मेजरिंग पैटर्न एंड हॉट जॉब्स हैंडल्ड बाई ब्लैक स्मिथ ऑप्शन ए नेरो रूल ऑप्शन बी श्रिंक रूल ऑप्शन सी हुक रूल ऑप्शन डी शॉर्ट रूल और जो इसका सही आंसर हो है, वो है ऑप्शन बी श्रिंक रूल क्वेश्चन नंबर थ्री भी ब्लॉक्स इज यूज टू होल्ड राउंड बार्स इट हैज ए भी ग्रुप विच इज यूजुअली, ऑप्शन ए थर्टी डिग्री ऑप्शन बी सिक्सटी डिग्री ऑप्शन सी नाइन्टी डिग्री ऑप्शन डी 120 डिग्री और जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 90 डिग्री क्वेश्चन नंबर फोर द पॉइंट एंगल ऑफ स्क्राइबर इज ऑप्शन ए 30 डिग्री ऑप्शन बी 60 डिग्री ऑप्शन सी 5 टू 10 डिग्री ऑप्शन डी 12 टू 15 डिग्री और दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 12 टू 15 डिग्री अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे क्वेश्चन नंबर फाइव द पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच इज ऑप्शन ए थर्टी डिग्री ऑप्शन बी सिक्सटी डिग्री ऑप्शन सी नाइन्टी डिग्री ऑप्शन डी वन ट्वेंटी डिग्री और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी नाइन्टी डिग्री अगला क्वेश्चन नंबर ड्यूरिंग मार्किंग द रेफरेंस सरफस इज प्रोवाइडेड बाई ऑप्शन ए स्केच ऑफ द जॉब ऑप्शन बी वर्क पीस ऑप्शन सी मार्किंग ऑफ टेबल सरफेस, ऑप्शन डी सरफेस गेज और जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मार्किंग ऑफ टेबल सरफेस। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे तो क्वेश्चन नंबर सेवन है द स्लोट्स आर प्रोवाइडेड ऑन एंगल प्लेट फॉर, ऑप्शन ए अकोमोडेटिंग बोल्ट ऑप्शन बी हैंगिंग विथ हुक्स ऑप्शन सी रिड्यूसिंग वेट ऑप्शन डी अलाइंगिंग द वर्क और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अकोमोडेटिंग बोल्ट क्वेश्चन नंबर एट भी ब्लॉक्स आर अवेलेबल इन ग्रेड्स ऑफ ऑप्शन ए जीरो एंड वन ऑप्शन बी वन एंड टू ऑप्शन सी ए वन एंड ए टू ऑप्शन डी ए एंड बी और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ए एंड बी क्वेश्चन नंबर नाइन ये थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है समझिएगा क्वेश्चन नंबर नाइन ए डिवाइडर इज यूज फॉर स्क्राइबिंग सर्कल्स बी स्क्राइबिंग आर्ट ऑप्शन सी ट्रांसफरिंग एंड स्टेपिंग ऑफ डिस्टेंस ऑप्शन डी ऑल ऑफ द और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर टेन पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सेट ऑप्शन ए स्टॉक ऑप्शन बी प्रोटेक्टर हेड, ऑप्शन सी स्क्वायर हेड ऑप्शन डी सेंटर हेड। और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए स्टॉक स्टॉक जो है वो है कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट नहीं है क्वेश्चन नंबर इलेवन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन है स्क्राइबर इज मेड ऑफ स्क्राइबर किस चीज से बना होता है ऑप्शन ए कॉपर ऑप्शन बी हाई कार्बन स्टील ऑप्शन सी माइल्ड स्टील और ऑप्शन डी कास्ट आयरन जो इसका सही आंसर होगा होगा ऑप्शन बी हाई कार्बन स्टील जो क्वेश्चन नंबर टूएल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए यूनिवर्सल सरफेस गेज हेल्प्स टू ड्रॉ पैरल लाइन्स एलोंग ए डटम एज ऑप्शन ए फाइन एडजस्टिंग स्क्रू ऑप्शन बी गाइड पींस ऑप्शन सी बेस ऑप्शन डी रोकर आर्म और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी गाइड पींस क्वेश्चन नंबर थर्टीन समझने लायक है इसको अच्छे तरीके से समझना है हमें क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्राइबर मार्क अस टू इन फिगर फिगर में जो दो नंबर वाला स्क्राइबर है उसका नाम क्या है ऑप्शन ए स्ट्रेट स्क्राइबर ऑप्शन बी बेंट स्क्राइबर ऑप्शन सी स्लीव स्क्राइबर, ऑप्शन डी बोल हेड स्क्राइबर और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी स्लीव स्क्राइबर। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच हैड इज यूज एंड सेट टू एनी रिक्वायर्ड एंगल इन द कॉम्बिनेसन सेट ऑप्शन ए स्क्वायर हेड, ऑप्शन बी प्रोटेक्टर हेड, ऑप्शन सी सेंटर हेड, ऑप्शन डी रूल दोस्तों इसका जो इमेज है वो यहाँ पर दे दिया गया है पूरा का पूरा थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके दिखा देता हूँ ये देखिए ये है इसका इमेज और ये है इसका क्वेश्चन आप फिर से इसको समझ लीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है विच हेड इज यूज एंड सेट टू एनी रिक्वायर्ड एंगल इन कॉम्बिनेशन सेट ऑप्शन ए स्क्वाय हेड ऑप्शन बी प्रोटेक्टर हेड ऑप्शन सी सेंटर हेड ऑप्शन डी रूल इसका इमेज भी दे दिया गया है इसका आंसर आपको कमेंट में देना है सही आंसर देने वाले का नाम अगले बार दिया जाएगा वीडियो में और पिछले बार जो मैंने चैप्टर वन से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए आप वीडियो जाकर के देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में धन्यवाद दोस्तों